हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? तो कोई स्पेशल लेसन करना चाहते हैं आप? सब बिजी हैं। तो बेसिकली आज मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? बताइए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। कैन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गौरव की वजह से रखी जा रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके यार, देखो सबको नॉर्मल चलना, ठीक है? सो फॉरगेट दैट देयर इज कैमरा शूटिंग इज गोइंग ऑन, फॉरगेट अबाउट दिस, ओके? बट हम आज मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कैन की। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैन की, तो कैन का यूज आपको समझ में भी आएगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है उसको भी आपको आइडिया लगाना है। सबसे पहले मैं कैन का इस्तेमाल बता रहा हूँ। कैन का यूज होता है अबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। जो काम आप कर सकते हो, आप में काम करने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, आई लगा के सिर्फ वर्ब चेंज करिए। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। क्या करेंगे? एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, सबको बोलना है। आई हटा के यू लगाते हैं। तुम जा सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम सो सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो। वह जा सकता है, वह आ सकता है, वह सो सकता है, वह पढ़ सकता है, वह नाच सकता है, वह दौड़ सकता है, वह लिख सकता है। अब वी पे सेंटेंस बनाएंगे। हम जा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब शी पे सेंटेंस बनाएंगे। वह लिख सकती है, वह गा सकती है, वह आ सकती है, वह बोल सकती है, वह समझ सकती है, वह खाना पका सकती है, ठीक है? कुक द फूड, पका सकती है, खा नहीं सकती, पका सकती है। अब दे पे सेंटेंस बनाएंगे। वे लोग जा सकते हैं, वे खा सकते हैं, वे सो सकते हैं, वे पढ़ सकते हैं, वे लिख सकते हैं, वे नाच सकते हैं, वे आ सकते हैं, वे बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी हमने क्या किया है इस पूरे प्रैक्टिस में? सर पढ़ सकते हैं, वो रीड बोले हैं कि स्टडी बोले? देखो रीड मतलब आप नॉर्मली कोई चीज रीड कर रहे हो, स्टडी मतलब यानी कि आप उसको पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो। हम न्यूज़पेपर हमेशा रीड करते हैं, ठीक है? पढ़ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे। अगर आप नॉर्मल पढ़ने की बात कर रहे हो तो रीड बोलो। अगर आप जैसे क्लास में हम पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो स्टडी करो। जो हमारी एजुकेशन होती है वो स्टडी बेस्ड होता है। जो आपने अभी एग्जांपल दिए उसमें तो रीड आया ना, आप रीड भी लगा सकते हो, स्टडी भी लगा सकते हो, ठीक है? बट दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। रीड मीन्स नॉर्मली पढ़ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। स्टडी मतलब पढ़ना, लिखना, एक्सपेरिमेंट करना, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है? आप कभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं न्यूज़पेपर स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसको रीड कर रहे होते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? तो स्टडी एक बहुत, मतलब क्या कहते हैं, एक अलग टर्म है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, सब इंक्लूड होता है, उसको स्टडी बोलते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आई? तो हमने बेसिकली भी क्या किया, पहले हमने एक सब्जेक्ट उठाया आई और हमने पीछे से वर्ब चेंज करी, ठीक है? तो इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि आई कैन ये आपकी जुबान पे रट गया। आपको सिर्फ वर्ब चेंज करनी, यानी कि आपकी जुबान को आदत हो गई आई कैन बोलने की, आप सिर्फ वर्ब चेंज कर रहे हो। तो आपका माइंड भी सेट है कि हाँ भी आपको सिर्फ एक ही वर्ब चेंज करनी है। फिर हमने दूसरा सब्जेक्ट लिया यू,
दे ही शी वी ऐसे हमने सब्जेक्ट चेंज करते करते अपनी जुबान को उसकी आदत लगाए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जब भी प्रैक्टिस करो बोल बोल के। अभी हमने क्या किया, सिर्फ हमने पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करी, मैं जा सकता हूँ, खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अब नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या लगाना है कि आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं सो सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं नाच सकता, मैं नहीं लिख सकता, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं खा सकते, तुम नहीं सो सकते, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं नाच सकते, तुम नहीं दौड़ सकते, वह नहीं खेल सकता, वह नहीं चल सकता, वह नहीं सो सकता। ओके, मार्क थैंक यू वेरी मच, उसको बताना, थैंक यू फॉर द टी करें, ठीक है। तो नेगेटिव में हम क्या लगा रहे हैं, कैन नॉट या फिर उसको हम कांट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ही पे सेंटेंस बना रहे थे, वह नहीं दौड़ सकता, वह नहीं आ सकता, वह नहीं जा सकती, वह नहीं सो सकती, वह नहीं पढ़ सकती, वह नहीं लिख सकती, वह नहीं बोल सकती, हम नहीं जा सकते, हम नहीं खा सकते, हम नहीं सो सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं लिख सकते, वे नहीं पढ़ सकते, वे नहीं नाच सकते, वे नहीं दौड़ सकते। तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करी। अब बात करते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिसका आंसर हाय ना में होता है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अब मेरी जो हिंदी है वो क्या से स्टार्ट होगी और आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है, कैन से। क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं नाच सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ। अब यू से लगाते हैं, क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम खा सकते हो, क्या तुम सो सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम नाच सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं वी से, क्या हम जा सकते हैं, क्या हम सो सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या हम नाच सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। अब ही से, ठीक है, क्या वह जा सकता है, क्या वह खा सकता है, क्या वह लिख सकता है, क्या वह नाच सकता है, क्या वह दौड़ सकता है, क्या वह आ सकता है, क्या वह भाग सकता है, क्या नहीं रन क्या बोलूं मैं। अब शी पे बनाते हैं, ठीक है, क्या वह दौड़ सकती है, क्या वह लिख सकती है, क्या वह नाच सकती है, क्या वह आ सकती है, क्या वह बोल सकती है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली कैन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसका एक डब्ल्यू एच फैमिली होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इससे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो चेंज करूंगा और वर्ब भी चेंज करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नींद आ रही है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो, तुम क्या बोल सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम कहाँ नाच सकते हो। अब आई पे बनाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या खा सकता हूँ, मैं कहाँ नाच सकता हूँ। अंडरस्टूड। मैं कब जा सकता हूँ। अब हम पे बनाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ सो सकते हैं, हम कब खा सकते हैं। अब ही पे बनाते हैं, वह क्या कर सकता है, वह क्या लिख सकता है, वह क्या बोल सकता है, वह कहाँ जा सकता है, वह कहाँ नाच सकता है। कैन का समझ में आया, किसी को कोई डाउट,
सो जितना बोल कर प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो थैंक यू वेरी मच, ओके बैडीज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा भाई कर दिया सर, एक बार लाइक करें, कमेंट करें।